Hey everyone, welcome back to Aastha's Science Club. So guys, in the last video we have seen spermatogenesis, meaning the formation of sperm. And in this video we are going to study about the structure of sperm, meaning how sperm ki structure is. So let's move towards the video. So guys, sperm is a microscopic structure. यानी कि ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता. इसको देखने के लिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो स्पर्म्स होते हैं ना, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. इनमें हेड होता है, मिडिल पीस होती है एंड टेल होती है. फिगर में देखिए, ऊपर वाला पोर्शन हेड, देन मिडिल पोर्शन इज मिडिल पीस एंड पूरी फिर हमारी टेल होती है. एंड साथ में पूरा जो स्पर्म होता है ना, एक पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. ठीक है, ये ध्यान रखने हैं हमको. पहली बात ये कि स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. देन स्पर्म में हेड होता है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है. एंड देन जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, इनकी पूरी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं स्पर्म के हेड की. तो स्पर्म के हेड में ना एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होती है. कैसी? इलोंगेटेड न्यूक्लियस, जो कि होती है हैप्लॉइड, यानी कि उसमें सिर्फ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे सिर्फ. ठीक है, पेयर में नहीं प्रेजेंट होंगे. तो स्पर्म के हेड में क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होती है जो कि हैप्लॉइड होती है. दूसरी चीज़ ये कि स्पर्म के हेड में जो ऊपर पोर्शन है, यानी कि उसके एंटीरियर पोर्शन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी. ठीक है, जैसे फिगर में दिख रहा है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि स्पर्म का क्राउन होता है, जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम. इस एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स फिल्ड होते हैं. ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म ओवन से फर्टिलाइज करता है या फ्यूज होता है, उस टाइम पर ये एंजाइम्स जो होते हैं बहुत हेल्प करते हैं फ्यूजन करने में. ठीक है, तो स्पर्म के हेड में ऊपर एक एंटीरियर पोर्शन में एक कैप होती है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, जिसमें एंजाइम्स फिल्ड होते हैं. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, आई बात समझ में. और दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमारे हेड है, स्पर्म का जो हेड है, वहाँ पर ना क्या होता है, न्यूक्लियस होती है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होती है, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है. एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक, अब हम लोग बात करेंगे स्पर्म के मिडिल पीस की. तो स्पर्म के मिडिल पीस में क्या होता है ना, बहुत सारे न्यूमरस ऑफ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी में क्या करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, स्पर्म मोबाइल कैसे होता है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसे होती है, तो टेल की हेल्प से. टेल की हेल्प से क्या होता है, स्पर्म मोबाइल होता है या फिर वो मोटिलिटी करता है. एंड उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, वो न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है ना, सिंगल कोइटस में एक ह्यूमन मेल एक बार में 200 से 300 मिलियन, यानी 200 टू 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स इजैक्यूलेट करता है. उन 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स में 60% जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो हेल्दी होते हैं, शेप और साइज उनका बेटर होता है, अच्छा होता है. एंड उस 60% में भी जो हमारे 40% स्पर्म्स होते हैं, वो विग्रस ग्रोथ शो करते हैं. विग्रस ग्रोथ यानी कि रैपिड ग्रोथ, यानी कि अच्छी ग्रोथ होती है, फास्टली मूव करते हैं वो लोग. ठीक है, तो क्या होता है, एक बार में कितना, एक क्वाइटस में कितना इजैक्यूलेशन होता है, 200 टू 300 स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन होता है, जिसमें 60% जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, शेप एंड साइज में हेल्दी होते हैं. और जो हमारे 60% में भी 40% जो स्पर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विग्रस ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं, विग्रस ग्रोथ करते हैं. ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा. सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.